सुप्रभात छात्रों, RCI एजुकेशन हब बानसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विषय संस्कृतम और बेटा हमारा टॉपिक है बहुव्रीही समास। बहुव्रीही समास में हमने समानाधिकरण बहुव्रीही पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे व्याधिकरण बहुव्रीही। समानाधिकरण जिसमें यानी विग्रह करते समय पूर्वपद और उत्तरपद में विभक्ति यानी कि विभक्ति कैसी होती है, समान होती है, उसे समानाधिकरण बहुव्रीही समास कहते हैं। अब आता है व्याधिकरण बहुव्रीही। यदि विग्रह करते समय पूर्वपद और उत्तरपद में भिन्न विभक्ति होती है यानी अलग अलग विभक्ति होती है, व्याधिकरण बहुव्रीही समास कहा जाता है। यथा जैसे देखो, समस्त पद चक्र पाणी, चक्र यानी चक्र और पाणी यानी हाथ, यानी चक्र है हाथ में जिसके वह कौन, भाई चक्र किसके हाथ में है, भगवान विष्णु के है, ठीक है। तो इसका विग्रह हो जाएगा चक्रम पाणौ यस्य स, चक्रम पाणौ यस्य स। अब यहाँ पर देखो बेटा, विग्रह करते समय यहाँ चक्रम में कौन सी व्यक्ति लग रही है, द्वितीय एकवचन, और पाणौ में द्वितीय द्विवचन, ठीक है ना। पाणौ यानी चक्र है हाथ में जिसके, यस्य यानी जिसके, स यानी वह कौन, भगवान विष्णु, ठीक है बेटा। इसलिए इसमें क्या हो गई, भिन्न भिन्न विभक्ति हो गई, ठीक है। दूसरा है शूल पाणी, शूल है हाथ में जिसके, वह कौन है, शिव। शूल यानी त्रिशूल, त्रिशूल है हाथ में जिसके, किसके हाथ में है, भगवान शिव। तो इसका विग्रह हो जाएगा शूलाम पाणौ यस्य स, शूलाम पाणौ यस्य स, कौन, भगवान शिव, ठीक है, शिव विष्णु। उसके बाद है धनुष पाणी, धनुष है हाथ में जिसके, कौन है, धनुष किसके हाथ में है, यानी कि भगवान राम के हाथ में। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा धनुष धनुहु, विग्रह करते समय क्या हो जाएगा, धनुहु पाणौ यस्य स, धनुष है हाथ में जिसके, किसके, राम है यानी राम के। चंद्रशेखर है, चंद्र है शिखर पर जिसके, वह कौन, शिव। चंद्र है शिखर पर जिसके, किसके शिखर पर है, शिव के शिखर पर। तो विग्रह हो जाएगा चंद्र चंद्र शेखरे यस्य स, शिव किसके सर पर है, शिव। अब यहाँ पर देखो, चंद्र यानी चंद्र है शिखरे, शेखरे यानी कि शिखर पर, ठीक है, चंद्र शेखरे। तो इसमें कौन सी व्यक्ति हो गई, सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग हो गया, ठीक है, और इसमें कौन सी है, प्रथमा, दोनों में भिन्न भिन्न विभक्ति हो गई, तो इसलिए ये कौन सा समास कहलाया, व्याधिकरण बहुव्रीही समास कहलाया, ठीक है बेटा। इसके बाद अगला आता है तुल्य योगे बहुव्रीही। तुल्य योगे बहुव्रीही, पहले हमने पढ़ा समानाधिकरण बहुव्रीही, फिर हमने पढ़ा व्याधिकरण बहुव्रीही, और अब हम पढ़ रहे हैं तुल्य योगे बहुव्रीही। अब इसके उदाहरण देखो, तुल्य योगे बहुव्रीही के किस प्रकार के उदाहरण होते हैं। अत्र सह शब्दस्य तृतीयांत पदेन सह समासो भवति। अत्र यानी यहाँ पर, सह यानी साथ, शब्दस्य यानी शब्द के, तृतीयांत यानी तृतीय, पदेन यानी पद के, सह यानी साथ में, समासो यानी समास, और भवति यानी होता है। हिंदी अर्थ भी लिख रखा है यहाँ पर, यहाँ सह शब्द का तृतीय पद के साथ समास होता है। सह शब्द, सह के युग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, ये आपको मालूम ही है। यहाँ पर सह शब्द का तृतीय पद के साथ समास होता है, वो किसके अंदर आता है, तुल्य योगे बहुव्रीही समास के अंतर्गत आते हैं। यथा जैसे समस्त पद है सुपुत्र, सुपुत्र, तो सु पहला पद क्या आ गया है, सु यानी सह, तो सह का अर्थ हो गया सह यानी साथ में। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा पुत्रेण सहित, क्या हो जाएगा, यानी पुत्र के साथ। तो सह के युग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो किसके साथ में है, पुत्र के, तो क्या हो जाएगा, पुत्रेण सहित, पुत्रेण
सहित है, ठीक है, पुत्रेण सहित है, ठीक है। ये कौन सा समास कहलाया? तुल्य योगे बहुव्रीहि समास। सह बांधवे, बांधवे बांधवई सहित है, यानी अपने बंधु बांधुओं के साथ, अपने बंधु सह यानी कि भाइयों के साथ, तो इसमें आ जाएगा बांधवई, बांधवई सहित है, बांधवई सहित है, ठीक है। सह विनियम यानी विनय के साथ, तो इसमें हो जाएगा विनयेन, विनयेन सह विद्यमानम, विनयेन सह विद्यमानम, ठीक है। उसके बाद है लास्ट उदाहरण स आदरम, यानी आदर के साथ, तो आदरेण, आदरेण सह विद्यमानम, ठीक है बेटा। इस प्रकार से ये हमारा बहुव्रीहि समास का टॉपिक समाप्त हो गया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम द्वंद्व समास पढ़ेंगे। धन्यवाद।